आज हम आपके सामने नया वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बताएंगे कि कैसे वेस्ट हमारे घर में जो चीज होती है, जैसे कि टॉयलेट रोल, टॉयलेट पेपर रोल होता है, वो हमारे किस काम आ सकता है। और ऐसे जो रोल होते हैं, अपने हिसाब से अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हमें कटिंग करना होता है। और ऐसा वुड लेना है, प्लाई भी चल सकता है, एमडीएफ भी चल सकता है, कोई भी हमारे पास जो वेस्ट ऐसा कटिंग होना चाहिए। तो चलिए आज हम बताते हैं मल्टीपर्पस स्टैंड, जो पेन स्टैंड के यूज में और मल्टीपर्पस यूज में लिया जा सकता है, उसके लिए हमें चाहिए फेविकोल, क्ले तो चाहिए ही चाहिए। और सबसे पहले हम टेक्सचर बनाएंगे उसके ऊपर, वो मैं आपको बताती हूँ। मल्टीपर्पस स्टैंड बनाना है। मल्टीपर्पस स्टैंड बनाने के लिए हमें चाहिए एक ऐसा प्लाई, या एमडीएफ भी चल सकता है, जो भी आपके हिसाब से बनाना हो वो साइज लेनी है। मैं ये साइज लूंगी और उस पर ये जो रोल है उसे कट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, छोटा बड़ा। और ये रोल है उसे भी हम ये दो पार्ट में कट कर देंगे, क्योंकि उसमें पिन वगैरह डालना हो तो इतनी हाइट नहीं चलती, हाइट को कम कर देना है। अब ये पेपर रोल है उस पर हम टेक्सचर करेंगे। टेक्सचर के लिए चाहिए मुझे ये मार्बल पाउडर। देखिए मैंने इसमें मार्बल पाउडर लिया है और उसके हिसाब से मैं फेविकोल डाल रही हूँ। फेविकोल, और फेविकोल थोड़ा पानी ऐड करना है। देखिए हमारा टेक्सचर रेडी हो गया है, उस पर थोड़ा हम पानी से पानी डालकर ढीला करेंगे। देखिए इस हिसाब से होना चाहिए हमारा टेक्सचर। अब जैसे ये रोल है उस पर हम टेक्सचर करेंगे। देखिए कैसे लेना है। थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे। ऐसा लेयर बना के उस पर हम ऐसे डिजाइन बनाएंगे। देखिए कैसे करना है, टैप टैप करना है। इसे हम सुखाने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। देखिए हमने टेक्सचर कर दिया है, और जो बचा हुआ टेक्सचर है वो सूख न जाए इसलिए एक डिब्बे में ऐसे एयर टाइट पैक कर देना है, जिससे हम दूसरी चीज बनाने के लिए भी यूज में ले सके। मैंने ऐसे अलग अलग टेक्सचर करके, ये मेरे हिसाब से मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी इस हिसाब से मैंने कटिंग किया है, और यहाँ पर चिपका है। देखो चिपकाना है, ऐसे फेविकोल लगाना है। पहले चिपका देंगे तो टेक्सचर नीचे बेस में नहीं होगा, इसलिए चिपकाना बाद में है। देखिए इस तरफ फेविकोल लगाकर चिपकाना है। हो गए, हुआ, सूख गया है। अब हम इस पर प्राइमर करेंगे। प्राइमर लेना है। उसमें पानी ऐड करना है।
सब जगह राइमर करना है। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। देखिए मैंने प्राइमर कर दिया है पर ये बॉर्डर मुझे अच्छी नहीं लग रही है, सो मैं उस पर क्ले की बॉर्डर लगाऊंगी। देखिए ऐसे ये हमारी पेपर मैस क्ले है और क्ले को ऐसे बेलना है और फेविकोल से हम यू लगा देंगे। देखिए हमारी क्ले की बॉर्डर पांचों में लगा दी है, अब उस पर प्राइमर करना है। ये मेरा ध्यान बाद में गया कि ऊपर का बेस वो अच्छा नहीं लग रहा है, सो क्ले की बॉर्डर पहले ही लगा देनी चाहिए। ये प्राइमर करने के बाद मैंने लगाई है तो अब वापस इस पर प्राइमर करना पड़ेगा। ये हमारी क्ले है, क्ले से हम यहाँ साइड में वर्क करने वाले हैं, तो क्ले में पहले पत्तियां कैसे बनाते हैं वो सिखा दूं। देखिए इस प्रकार, और ये कटर है, कटर से हम पत्ती की जैसे डिजाइन होती है ना वैसे करनी है। मैंने कर दी है और थोड़ी मैं ये ऐसी प्लेन पत्ती भी करूंगी जिससे मैं फ्लावर बना रही हूँ, और ये फ्लावर भी किए हुए हैं। फ्लावर का वीडियो मैं दूसरी बार नेक्स्ट टाइम अपलोड करने वाली हूँ कि क्ले के फ्लावर कैसे बनाते हैं। वो मैंने क्लॉक में भी बनाया था तो सब पूछ रहे हैं कि मैम फ्लावर कैसे बनाए, वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी वीडियो आपको, ओनली फ्लावर का ही। देखिए ऐसी प्लेन पत्ती भी बनानी है जिससे हम दूसरे वाला फ्लावर भी कर सकते, बड़ा अरेंज करने वाले हैं। यहाँ पर जो जगह दिखती है वहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक डाली निकालने वाली हूँ क्ले की, और उस पर पत्ते और फ्लावर ऐसे ऐसे करने वाली हूँ, दिखाती हूँ मैं। ये लीव्स फ्लावर ये सब ग्रे का कर दिया है, अब उस पर हमें प्राइमर करना है ऐसे सब जगह। फ्लावर का वीडियो मैंने बताया है वैसे अलग से अपलोड कर दूंगी। प्राइमर हमारा सूख गया है, आज मैं इसमें ये ग्रीन वाला कलर करूंगी क्योंकि मुझे ऑर्डर आया है और उसने इंटीरियर के हिसाब से ये कलर करने को बोला है। देखिए ये सब जगह ये कलर कर लेना है, थोड़ा गोल्डन टच भी इसमें मैंने डाल दिया है, मेहंदी ग्रीन कलर है सब जगह। फ्लावर में भी वही करना है, देखिए ऐसे एक ही कलर अभी मैं कर दूंगी, फिर उस पर हम गोल्डन टच या थोड़ा ब्लैक शेड देने वाले हैं। मैंने ग्रीन कलर कर दिया है और यहाँ पत्ती में और रोज में देखिए मैंने खाली रखा है, वहां पर मैं ब्लैक कलर करने वाली हूँ और उसके ऊपर हम गोल्डन टच देंगे क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर गोल्डन एकदम निखार कर आता है। देखिए ऐसे सभी जगह लीव्स में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रीन कलर में कहीं टच ना हो जाए। देखिए मैंने सब जगह ब्लैक कलर कर दिया है, पत्तियां में फ्लावर्स में, अब उस पर मैं गोल्डन टच देने वाली हूँ। कैसे देना है गोल्डन कलर, यूं करके
देखिए इसे, पहले मैंने ग्रीन रखा था, ग्रीन रखे तो भी चलेगा और मैंने डार्क ब्लैक कर दिया है और ब्लैक में गोल्डन टच देने वाली हूँ। ब्लैक फ्लावर में, ब्लैक पत्ती में, सभी में गोल्डन और थोड़ा थोड़ा कॉपर टच दिया है, दिखाई देता है आपको। और अब उस पर वार्निश करना है। वार्निश मैंने इसमें कर लिया है और वार्निश एशियन पेंट का लेना है। वार्निश करने के बाद इसे 5-6 घंटे तक यूं ही सूखने देना है। देखिए मेरा वार्निश तो सूख गया है। और वार्निश करना इसलिए जरूरी है कि हमें कभी भी इसे गीले कपड़े से पोंछना पड़े या धोना भी पड़े, एक बार पानी के नीचे भी यूं आप लगा दो, बहुत डस्ट हो गई है तो भी ये ऐसा ही रहेगा, इसलिए वार्निश करना जरूरी है। और देखिए हमारा ये पेन स्टैंड रेडी है, कैसा लग रहा है? और गिफ्ट में देने के लिए तो ये लाजवाब है। हमारा ये मल्टीपर्पज स्टैंड रेडी है। ऐसे छोटे में पेन, कार्ड या पिंस, बड़े में जैसी रिक्वायरमेंट होती है ऐसे हम रख सकते हैं। 2 वाला भी बना सकते हैं, 3 वाला भी बना सकते हैं, जैसी जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है वैसा बना सकते हैं, क्योंकि हमें ही कटिंग करना है, हमें ही बनाना है। और इसे गिफ्ट देने के लिए तो ये बहुत यूनिक वस्तु है। ये मल्टीपर्पज स्टैंड है जो आप किचन में भी यूज कर सकते हैं और डाइनिंग टेबल पर भी यूज कर सकते हैं, है ना लाजवाब? आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी कई चीजें मैं अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पर कि पेपर में क्ले कैसे बनती है, फ्लावर्स कैसे बनते हैं, और ऐसी गिफ्ट में देने वाली कई चीजें जो छोटी छोटी होती है और आप गिफ्ट में दे सकते हैं। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।